दोस्तों इस बार आईपीएल 2021 में देखा जा रहा है, हर दिन कोई ना कोई अंपायरिंग को लेकर इशू होता ही आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के मैच में जो क्वालिफाइड टू है वहां पर केकेआर ने कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच जो बहुत अहम एक मुकाबला हो रहा था वहां पर किया गया एक डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो कि थर्ड अंपायर ने दिया रॉन्ग, और इससे पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों। सभी लोग देख पा रहे थे कि वो नो बॉल नहीं था लेकिन अंपायर ने दे दिया नो बॉल। कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे, क्या हुआ डिलीट में बताते हैं दोस्तों। बॉल चल रहा था 16.4 ओवर का, मतलब 16वें ओवर की चौथा बॉल केकेआर की तरफ से वरुण चक्रवर्ती कर रहे थे सिमरन हेटमायर को। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का सिमरन हेटमायर, दिल्ली का स्कोर बहुत ही नीचे था, खराब चल रहा था, 6 के नीचे उनका औसत था। लेकिन दोस्तों उस बॉल पे सिमरन हेटमायर को बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा शुभमन गिल ने लॉन्ग ऑन पे, और वो कैच पकड़ने के बाद सिमरन हेटमायर चलते बने पैवेलियन की तरफ और वो बाउंड्री लाइन क्रॉस भी कर चुके थे, डगआउट पे चला भी गया था। लेकिन दोस्तों थर्ड अंपायर बहुत बारीकी से देख रहा था वो बॉल। दोस्तों नो बॉल का नियम क्या है? नो बॉल का नियम है जो लाइन होता है लाइन के पीछे, व्हाइट लाइन के पीछे जरा सा भी अगर हिस्सा होता है तो वो नो बॉल करार नहीं दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार हुआ ऐसा कि वरुण चक्रवर्ती का ये जो बॉल था करने के समय पैर लग रहा था कि अंदर थोड़े से है, कमेंटेटर्स कह रहे थे कि 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर हो सकता है। थर्ड अंपायर इस साइड से देखा उस साइड से देखा, लग ही रहा था कि थोड़ा थोड़ा तो है, लेकिन फिर भी ये नो बॉल दिया गया। और दोस्तों क्या हुआ बाद में, वो नॉट आउट और फ्री हिट हुआ, और फ्री हिट में भी एक आउट था, हालांकि फ्री हिट में आउट तो नहीं होता है। लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है, इसके बाद सिमरन हेटमायर ने नेक्स्ट ओवर पे 2 छक्का मारा जिस वजह से दिल्ली कैपिटल्स का जो स्कोर है वो बढ़ता गया और बढ़ता गया, और ये जो रन है वो नेक्स्ट ओवर तक बहुत बड़ा और लास्ट तक 135 में चला गया, जहां पर दिल्ली का स्कोर चला था यानी रन रेट चल रहा था 6 के नीचे और खत्म किया लगभग 7 रन पर ओवर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वो नो बॉल था या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। और साथ में ये भी लिखिए अगर मैच का टर्निंग पॉइंट कहा जाए यही है या नहीं, मतलब जो स्कोरिंग रेट है। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कॉमेंट का।